वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे बीटीएसटी ट्रेडिंग क्या होती है, बीटीएसटी ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। कल हमने एक बीटीएसटी ट्रेड लिया था आज के मार्केट के लिए, जहां पर करीबन 4% तक का मोमेंटम हुआ ओवरनाइट। 483 से सनटेक रियलिटी ये जा पहुंचा 502 रुपये तक के, तो एक बड़ा मोमेंटम हुआ सनटेक रियलिटी में। कंसिस्टेंट एक्यूरेसी मेंटेन किए बीटीएसटी ट्रेडिंग में, तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन सी बीटीएसटी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है स्टॉक पर, पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वो ट्रेड लिया था मैंने 483 पे इसको बाय किया था। कल हमने सोनाटा सॉफ्टवेयर में, मंडे मार्केट को इवनिंग में हमने सोनाटा सॉफ्टवेयर लिया था, और आज हमने लिया सनटेक रियलिटी। तो सनटेक रियलिटी 483 से आज ये जा पहुंचा 502 तक के, तो एक बड़ा मोमेंटम यहां पर हुआ ओवरनाइट। तो हम समझेंगे बीटीएसटी ट्रेडिंग होता क्या एग्जैक्टली। तो शानदार परफॉर्मेंस आया सनटेक रियल्टी के अंदर में, 3% का प्रॉफिट निकला यहाँ पर एक दिन में बीटीएसटी ट्रेडिंग में। अब ये बाय टुडे सेल टुमारो होता क्या है, बीटीएसटी ट्रेडिंग में हम लोग आज जैसे मार्केट क्लोजिंग से पहले 3:25 PM को हम लोग एंट्री बनाते हैं, 3:25 को हमने कोई स्टॉक बाय कर लिया, और अगले दिन 9:15 के बाद उसको हम लोग सेल करते हैं। जैसे हमने कोई 483 पे स्टॉक को बाय कर लिया सनटेक रियलिटी को, मैंने आपको इसका अपडेट भी प्रोवाइड किया था मॉर्निंग में, जब ये 496 पे था तब मैंने आपको इसका अपडेट भी दिया था। तो ये देखिए ये वाला अपडेट था सनटेक रियलिटी का जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था बीटीएसटी ट्रेड का। अब यहाँ पर सनटेक रियलिटी, यहाँ पर मैंने डीएलएफ भी दिया, तो इतने देर में आप समझ गए होंगे कि आज कहाँ पर सेक्टर मोमेंटम था। क्योंकि मार्केट में अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो सेक्टर मोमेंटम आना चाहिए। यहाँ पर हमने डीएलएफ में भी आज काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हुआ, डीएलएफ के अंदर में भी इंट्राडे का ट्रेड था वो। तो सनटेक रियलिटी, अब बीटीएसटी में हम लोग करते क्या है, व्हाट वी डू बाय टुडे सेल टुमारो, हम लोग 3:25 को पोजीशन बनाते हैं, 3:25 को पोजीशन बना ली, और इंट्राडे के ऑर्डर अलाउ नहीं रहते, 3:20 PM के बाद इंट्राडे के ऑर्डर अलाउ नहीं रहते, लेकिन जो डिलीवरी का ऑर्डर है बीटीएसटी का, होल्डिंग का ऑर्डर है जीरोडा में, इसको हम बोलते हैं सीएनसी लॉन्ग टर्म बोलते हैं जीरोडा में, या फिर बाकी एंजल वन में डिलीवरी ट्रेड करके लिख के आता है, जहां पर हम होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को बाय करने के बाद। तो इसको 3:25 के से लेकर 3:29 PM आप हम कभी भी बाय कर सकते हैं, जस्ट मार्केट के क्लोजिंग पे भी बाय कर सकते हैं, और उसके बाद अगले दिन 9:15 के बाद जो हमने टारगेट डिसाइड किया है 496, यहाँ पे मेरा टारगेट 496 का था, 496 का टारगेट जैसे हिट होगा वैसे हम उस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे मार्केट में 9:15 के बाद कभी भी। तो यहाँ पर टाइम कमिटमेंट बहुत कम रहता बीटीएसटी का, तो ये काफ़ी सूट करता है अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल है जिनको प्रॉफिट कंसिस्टेंट चाहिए, और जिनको इंट्राडे में कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि पूरे दिन भर मार्केट देखना है, उसके बाद इंट्राडे में बड़ा रिस्क भी होता है, तो उन चीज़ को हम, क्योंकि अगर 3% 4% तक का गैप अप अगर मिलता है, 10 ट्रेड लगाए मैंने और 5 ट्रेड में अगर हमें 4% का गैप अप मिल गया, तो ओवरऑल जो रिटर्न निकलेगा वो इंट्राडे के बराबर ही रहेगा बिल्कुल बीटीएसटी से। तो अब देखते हैं इन स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे बीटीएसटी के। तो मैंने आपको स्कैनर देके रखा है और क्या स्ट्रेटजी लगानी है उसके बारे में देखते हैं पहले। तो मैंने आपको स्कैनर, ये बीटीएसटी का स्कैनर है, इस स्कैनर को आपको रन करना पड़ेगा 2:45 PM को। 2:45 PM को आप इस स्कैनर को रन करो, फिर जो भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा बीटीएसटी के, उसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। टोटल बीटीएसटी के क्राइटेरिया जो है वो 6 क्राइटेरिया बीटीएसटी के, उन 6 क्राइटेरिया पे हमको स्टिक करना है। अगर एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, पूरे के पूरे 6 क्राइटेरिया हमको उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। और 2:45 PM को या 3 बजे, जितना भी आपकी स्पीड है, 3 बजे आप रन स्कैन पे हिट करो, स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करो, 3 से 4 स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करना है जो हमारे क्राइटेरिया को स्टिक कर रहे हैं। अब 3:25 को जो भी स्टॉक क्राइटेरिया पे स्टिक करेगा उस स्टॉक के अंदर में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, और अगले दिन 9:15 के बाद उसको बेच देंगे, 9:15 के बाद जब भी हमारा टारगेट अचीव होगा तब। अब इनमें स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, स्टॉक्स तो यहाँ पर बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, लेकिन विच स्टॉक वी आर गोइंग टू टारगेट फॉर द बीटीएसटी, लेट अस डिस्कस दैट। तो जैसे मैं आज का ट्रेड बात करूँ सनटेक की रियलिटी, मैंने बोला आपको पहला क्राइटेरिया मैंने बता के रखा आपको, वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑन द डे टाइम फ्रेम। दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया मैंने आपको,
ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस रजिस्टर्स। अभी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन इसी क्राइटेरिया को हम लोग पूरा 2 घंटा डिस्कस करते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं रेगुलर बेसिस पर, सैटरडे संडे को जो क्लास होता है अगर आप अटेंड करते हो, तो प्रॉपर 2 घंटा ये क्राइटेरिया को मैं डिस्कस करता हूँ बहुत डिटेल में। तो ब्रेकिंग ऑफ प्रीवियस रजिस्टर्स, तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया बड़ा अप ट्रेंड आया शानदार, और यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा था, प्रीवियस रजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था। अब तीसरा क्राइटेरिया का है, आरएसआई को 60 से बड़ा होना चाहिए और 70 से छोटा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आरएसआई का अगर क्राइटेरिया लगाऊँ इसके स्टॉक के अंदर में, ये हमारा ट्रेड था आज का सनटेक रियल्टी, काफ़ी बड़ा मोमेंटम, 3% का प्रॉफिट एक दिन के अंदर, 3% बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर मैं यहाँ पे MTF यूज़ करूँ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करूँ, तो ये रिटर्न 6-7% भी एक दिन में जा सकता है बिल्कुल। तो RSI 60 से बड़ा और 70 से छोटा या उसके बराबर। तो कल देखिए, जब मैंने कल ट्रेड लिया था, मैंने कल इसको यहाँ पर बाई किया था 483 पे, आज 496 पे इसको बुक किया 3%। तो यहाँ पे RSI का लेवल कितना था कल, कल RSI का लेवल था 62। मैंने क्या बताया आपको, 60 से बड़ा होना चाहिए RSI स्टॉक का, 60 से बड़ा होना चाहिए, 70 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या बुलिंगर बैंड को फायर कर रहा था स्टॉक, स्टॉक कल की क्लोजिंग स्टॉक की बुलिंगर बैंड पर हुई थी। आप देखिए कितनी शानदार क्लोजिंग थी कल, मैंने डे कैंडल पर स्टॉक प्रीवियस रजिस्टर्स पर क्लोज भी हुआ था और बिल्कुल अपर बुलिंगर बैंड के आसपास स्टॉक था। आज मैंने बोला था आपको कल अपर बुलिंगर बैंड फायर हो सकता है और बड़ा मोमेंटम यहां पर हुआ आज, शानदार परफॉर्मेंस इसके अंदर। अब जो पांचवा क्राइटेरिया है, पांचवा जो क्राइटेरिया है वो है फॉलो बाइंग का, फॉलो अप बाइंग के, फॉलो बाइंग जो क्राइटेरिया है फॉलो बाइंग का वो पांचवा क्राइटेरिया है, और छठवा जो क्राइटेरिया है वो है क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग और फॉलो बाइंग का क्राइटेरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्लोजिंग का, तो इसको हम देखेंगे। और साथ में ब्रेकआउट स्कैनर, ब्रेकआउट स्कैनर को कंप्लीटली यूज कैसे करना अच्छे तरीके से हमारे बेनिफिट के लिए वो देखेंगे। आज हमने ये इंट्राडे का स्कैनर है, यहाँ से हमने आज पिक किया था DLF। अब देखो आप, गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, सनटेक रियलिटी, आज पूरा रियलिटी सेक्टर मार्केट में ट्रेंड कर रहा था, ये हमने कल ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमने आज DLF में भी एक इंट्राडे का ट्रेड लिया था। तो ये स्कैनर आप इंट्राडे के लिए यूज करो, 9:15 इसको रन करो, और शानदार परफॉर्मेंस सनटेक रियलिटी के अंदर। और छठवां क्राइटेरिया क्लोजिंग का क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया जो है हमारा दिस वन फॉलो बाइंग क्राइटेरिया, ये दोनों क्राइटेरिया बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं सैटरडे को, जो हमारा क्लास होगा 12 बजे, सैटरडे को 12 बजे क्लास होगा, वहां पर मैं ये चीजें को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो 12 बजे का क्लास रहेगा, उसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको अटेंड करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लिफ्ट हो जाएगा आपका मार्केट के अंदर। तो यू कैन अटेंड दिस क्लास। अब किसी को अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है BTST के, आज बैंक निफ्टी में भी करीबन 190% का मोमेंटम हुआ, इन सारे ग्रुप्स को अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स, और साथ में आपको ज्वाइन करनी है लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूँ मैं BTST स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का, अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर फोन नंबर है, वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी मैंने डाल के रखा है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, डायरेक्ट लिंक रखा है मैंने यहाँ पे इस लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। तो ये वेबसाइट है, यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन विजिट द वेबसाइट थ्रू दिस लिंक। तो आप यहाँ पे क्लिक, तो ये वेबसाइट का लिंक है, ये वेबसाइट है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके क्वेरी कर सकते हैं। फोन नंबर, वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पर भी आपको मैंने फोन नंबर डाल के रखा है, अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन क्वेरी थ्रू दिस नंबर एंड यू कैन क्लिक हियर। तो ये ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करके इस प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हैं। आपको 3 मंथ्स का पूरा लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है BTST स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, साथ में सारे प्रीमियम ग्रुप का आपको एक्सेस मिलता है 3 मंथ्स के लिए, BTST स्विंग ऑप्शन ऑल द प्रीमियम ग्रुप एक्सेस यू गेट फॉर द 3 मंथ्स। तो ज्वाइन नाउ पे बटन पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोर्स के ब्राउचर को भी डिटेल में देख सकते हैं। शनिवार को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ BTST स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन व्यू द कोर्स ब्राउचर। तो हम कंटिन्यूस डेली बेसिस पर BTST ट्रेड लेते रहेंगे, डेली बेसिस पर हम लोग 1 से 2 BTST स्टॉक को टारगेट करते हैं, अगले दिन मार्केट में कितना उसका प्रॉफिट आ सकता है।
तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट के हम लोग टारगेट करते हैं. सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.